हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयब ऑफिशियल। मैं फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरती से। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं आपके सामने काइन मास्टर है, तो हम इसे ओपन करेंगे काइन मास्टर को। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, 16:9 पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर ये देखें कोई सा भी हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, ये देखें मैं डार्क कर लेता हूँ क्योंकि हमने इस पर उर्दू फॉन्ट राइट करना है। मैंने ब्लैक पे क्लिक किया है। फ्रेंड्स ब्लैक पे क्लिक करने के बाद इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे इसका साइज़। ये देखें इंक्रीज़ मैंने कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बैक जाएंगे और लेयर पर क्लिक करेंगे। लेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम कीबोर्ड चेंज करेंगे, उर्दू कीबोर्ड लाएंगे यहाँ पे, मैंने कर लिया है। तो अब हम लिखेंगे, तो फ्रेंड्स ये देखें आप कैसे हैं, मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें फ्रेंड्स मैंने राइट कर लिया है आप कैसे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इस तरह से आप लिखेंगे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स इसका हमने फॉन्ट चेंज करना है, जिस तरह से बड़ी प्यारी सी उर्दू लिखी होती है वैसी उर्दू हमें चाहिए। हमें ये इसका ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए। मैं आपको इसे चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें मैंने इसका साइज़ भी अपने बैकग्राउंड के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। ये देखें फॉन्ट पे मैं गया हूँ। फॉन्ट पे जाने के बाद ये देखें बेवन पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने वो वाला फॉन्ट रखा हुआ है उर्दू का। ये देखें मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया है, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये देखें कितनी प्यारी उर्दू यहाँ पर राइट हो गई है। ये देख लें, थोड़ा सा इंक्रीज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखें कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम मज़ीद इसमें कुछ और लिख के देखते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये देखें जूम करके ये देख लें। दोबारा से हम जाएंगे फ्रेंड्स लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स ये देखें फ्रेंड्स लेयर पे हम चले गए और उसके बाद हमने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम फिर से दोबारा कुछ लिखते हैं, तुम कैसे हो, ये लिख के हम देखते हैं कि ये किस तरह का आपको दिखने में नज़र आएगा। तुम कैसे हो, ये देखें फ्रेंड्स मैंने राइट डाउन कर दिया है यहाँ पे तुम कैसे हो। ये देखें इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स ये कितना प्यारा लग रहा है। ये जमील नूरी फॉन्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने काइन मास्टर में ये इतना प्यारा फॉन्ट जो है उर्दू का वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो देखें मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ, इस लेयर का साइज़ भी इंक्रीज़ करने लगा हूँ मैं। ये देखें थोड़ा सा इसे हम फ्रंट पे कर देते हैं। ये देखें और ये देखें, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से आप काइन मास्टर में भी बहुत अच्छे से जिस तरह की चाहिए, जिस तरह की आपको चाहिए वैसी उर्दू आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना होगा दोबारा से। तो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने करना क्या है। हमने मिनिमाइज़ कर दिया है, हम वापस स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है APK एडिटर, ये देखें फ्रेंड्स इसको मैंने ओपन कर लिया है और सेकंड नंबर पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया है। और ये देखें नीचे हम जौन सा भी हमने एडिट करना है ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे। काइनमा से करना है सैम्पल एडिट फाइल दूसरे नंबर पर करेंगे। यहाँ पे जाके एसेट्स पे क्लिक करेंगे। ये देखें TTF जिनके साथ है ना, इनको हम कर सकते हैं एडिट, इनको हम एडिट कर सकते हैं। मैं जाऊँगा बैकग्राउंड के नीचे, आपको नज़र आ रहा है Bevan.TTF नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको पेंसिल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स आपने जस्ट क्या करना है फ्रेंड्स, इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करना है। ये देखें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखें मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं फॉन्ट्स। ये मैं दोबारा बैक जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जो फाइल मैनेजर है उसमें ही पड़ा होगा ये सब कुछ। ये देखें मैंने नीचे स्क्रॉल डाउन किया है,
नीचे जाके मैंने फॉन्ट्स पे क्लिक किया है। ये देखें, ये मेरे पास फोल्डर हैं, ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। मैं आपको एक ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूँगा, ये फर्स्ट वाले फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट करके बाहर रखी हुई है नीचे नीचे फोर्थ नंबर पे, ऐसी ही आपको फाइल नज़र आएगी। ये देखें, फर्स्ट पे आपको नज़र आ रही है, बैक जाएंगे तो सबसे नीचे वाली फाइल जो है फोर्थ नंबर पे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद नीचे बॉटम पे आपको सेव का बटन नज़र आ रहा होगा। फ्रेंड्स आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। ये देखें, वर्किंग स्टार्ट हो गई है, मतलब कि एडिटिंग होना स्टार्ट हो गई है। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की एडिटिंग आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस एडिटर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कहीं भी गूगल वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं और इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये वाला प्रोसीजर सारा करके अपने काइन मास्टर में आसानी से आप उर्दू, डिफरेंट टाइप्स की उर्दू आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, वर्किंग हो रही है, ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने जो लेफ़्ट साइड पे रिमूव का बटन नज़र आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने फिर दोबारा से फाइल मैनेजर में जाना है, फाइल मैनेजर के बाद एपीके एडिटर में जाना है, उसके बाद आपने टीएमपी के फोल्डर में जाना है। ये देखें, ये हमारी वो वाली फाइल जनरेट हो गई है जिसे हमने एडिट किया था। तो इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड्स, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने कैंसिल कर दिया है। वापस हम काइन मास्टर पर जाएंगे, प्रोजेक्ट पर जाएंगे, 16:9 की रेशो रखेंगे, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे बैकग्राउंड का। लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके हम ये देखें, यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ, लिख देते हैं चलो कहीं चलते हैं, ये हम राइट करेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने राइट कर दिया है। राइट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। ओके पे क्लिक कर दिया, इसका साइज इंक्रीज करेंगे, ये देखें इस तरह का नज़र आ रहा है। फाउंट पे जाएंगे और फाउंट, जिस फाउंट में हमने रखा है, बेवन में रखा था, उस पे क्लिक किया है मैंने। और ये देखें फ्रेंड्स कितना प्यारा लिख के आ गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे न्यू कॉन्टेंट के साथ।